नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर एंड स्वागत है एक और नई वीडियो में मैजिकल व्हील्स के। तो गाइस सामने जो खड़ी है ये खड़ी है नई वाली ब्रेजा, ये आपका VXI वेरिएंट है, सेकंड बेस वेरिएंट कह सकते हैं इसको। यहाँ पे खड़ा है आपका LXI एंड ये खड़ा है आपका VXI। देखने में आप देख सकते हैं दोनों के दोनों आपको फ्रंट से जो है वो सेम लग रहे होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज VXI की। तो VXI की सबसे पहले हम आपको जो है की दिखा देते हैं। तो की दोस्तों कुछ इस टाइप की आपको जो की है वो देखने को मिल जाती है, टिपिकल आपको जो मारुति वाली की है वो मिल जाती है। एक तरफ मिल जाता है अनलॉक एंड ये मिल जाता है लॉक। तो ये रहा कुछ इसका फ्रंट फेशिया, कंप्लीट जो है लुक इसका चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना ही जो बेहतरीन इसका फ्रंट है वो लग जाता है, एग्रेसिव हो चुका है, मस्कुलर हो चुका है, कहीं ना कहीं ये ज़्यादा प्यारा हो चुका है पुरानी वाली जो ब्रेजा आती थी उससे। अब क्या है, अब ये विटारा ब्रेजा नाम हट चुका है, अब ओनली एंड ओनली आपको ब्रेजा के उसमें मिलेगी, सिर्फ ब्रेजा की आपका जो है नाम इसके अंदर जोड़ा जाएगा। फ्रंट फेशिया आप चेकआउट कर रहे हैं, सबसे पहले बात की जाए यहाँ पर इसके हेडलैम्प सेटअप की, तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो डिज़ाइन है वो कम्प्लीटली आपको चेंज मिल रहा है। रिफ्रेश जो डिज़ाइन है वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर का सेटअप मिल जाता है, DRLs आपको इस वेरिएंट के अंदर मिसिंग मिलते हैं। बाकी यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर मिल रहे हैं जो कि आपके हैलोजन के अंदर है। फॉग लैम्प जो है वो आपको देखने को नहीं मिलते हैं, वो चीज़ आपको आफ्टर मार्केट या आपको रेट्रोफिट जो है वो करवानी पड़ेगी। बाकी बात की जाए इसके फ्रंट की, तो यहाँ पर आपको ग्रे टाइप की जो फिनिश है वो देखने को मिल जाती है, बीच में मिलता है सुजुकी का लोगो। यहाँ पर आपको क्रोम का जो काम है वो किया गया है, क्रोम का काम बहुत ज़्यादा ना करके बहुत सटल किया गया है। एक्चुअली जो अभी ब्रेजा आ रही थी उसमें जो है क्रोम बहुत ज़्यादा था फ्रंट में, बट यहाँ पे जो है डिज़ाइन अलग हो चुका है, क्रोम का काम बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है, बट और जो कहीं ना कहीं जो आपका लुक है उसको और ज़्यादा एनहांस कर देता है। नीचे स्किड प्लेट आपको वही ब्लैक कलर की मिल जाती है, ये देख सकते हैं ओवरऑल लुक। यहाँ से भी जो है डिज़ाइन जो है थोड़ा सा चेंज किया गया है, थोड़ा सा फ्लैट कर दिया गया है, पहले ही आपका सीधे में आता था। बॉक्सी डिज़ाइन अभी भी आपका बरकरार है, पहले भी आपका बॉक्सी डिज़ाइन ही था। तो ये आप लुक चेकआउट कर रहे हैं इसका। बात की जाए इसके एक शोरूम प्राइस की, तो इसका जो एक शोरूम प्राइस है वो है 9,46,500 का। और अब इस टाइम कहाँ पर हैं, इस टाइम हम हैं आकांक्षा ऑटोमोबाइल रुद्रपुर में। तो अगर इसके ऑन रोड प्राइस की बात की जाए तो तकरीबन यह आपका 11 लाख के अप्रॉक्स पड़ जाता है, ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत फिगर। तो आप अपने नियरेस्ट शोरूम पे जाके आप ये चेकआउट करा सकते हैं। बात की जाए इसके ओवरऑल लेंथ की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी खासी जो आपको लेंथ है वो देखने को मिल जाती है, 3995 mm की आपको लेंथ मिल रही है। बाकी चौड़ाई आप देख सकते हैं अच्छी खासी जो चौड़ाई है वो भी आपको देखने को मिलती है, 1790 mm की जो है आपको चौड़ाई मिलती है। हाइट जो है पहले से थोड़ी सी जो है इंक्रीज़ कर चुके हैं, तो इससे 1685 mm की हाइट मिल रही है। व्हील बेस की बात की जाए तो आपको 2500 mm का व्हील बेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो अंदर की सिटिंग हो जाती है वो काफ़ी ज़्यादा जो है कंफर्टेबल हो जाती है। आप इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको ऑफर होती है, 198 mm की जो है आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। अब आ चुके हैं इसके साइड लुक पे, तो 200 साइड की कहानी कुछ ऐसी मिल जाती है। बाकी बात की जाए तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं क्लैडिंग मिल जाती है ब्लैक ऑल ओवर द वे फ्रॉम फ्रंट टू बैक तक आपकी ये जा रही है, बीच में आपको बड़ा सा जो है क्लैडिंग मिलती है, तो कहीं ना कहीं जो इसका लुक है ना वो और ज़्यादा मस्कुलर बना देती है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले क्या था थोड़ा राउंडेड टाइप में था, अब थोड़ा सा इसको फ्लैट कर दिया गया है, तो ये भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको लगता है। अब की जाए इसके व्हील की, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं आपको स्टील व्हील दिख रहे होंगे, बट आपको यहाँ पे व्हील कैप मिल जाते हैं। बाकी प्रोफाइल देखें तो टायर की प्रोफाइल मिल जाती है 215/60R16 की, 216 इंच का जो व्हील है वो आपको इस वेरियंट में भी देखने को मिलता है। इसके बेस वेरियंट से आपको जो ये साइज़ के जो व्हील हैं वो देखने को मिलते हैं। तो मारुति ने ये चीज़ अच्छी करी गई है, फ्रॉम द वेरी बेस वेरिएंट दे आर प्रोवाइडिंग द 16 इंचेस व्हील, तो ये चीज़ बहुत अच्छी हो चुकी है। अब आ जाते हैं इसके ORVMs पे, तो यहाँ पे आपको डुअल टोन के अंदर जो है ORVMs मिल जाते हैं, एक होता है बॉडी कलर, नीचे आपको ब्लैक एलिमेंट मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर, ये रहा इसकी। बाकी ए पिलर आपका जो है ब्लैक आउट मिलता है, कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो गाड़ी है स्पोर्टी लगती है। बी पिलर भी आपका ब्लैक आउट है, डोर हैंडल जो है वो आपको मिल जाते हैं बॉडी कलर, तो ये रहा इसका लुक। बात की जाए इसकी फुल टैंक कैपेसिटी की, तो यहाँ पर आपको 48 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। ऊपर मिल रहा है आपको शार्क फिन एंटीना जो इसको स्पोर्टी जो लुक है वो प्रोवाइड कर देता है। क्वार्टर ग्लास पैनल देख रहे हैं, यहाँ पे भी आपको जो है ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिल रही है, ये भी सारा का सारा ब्लैक आउट है, तो कहीं ना कहीं जो इसका लुक है बहुत ही बढ़िया आने वाला है। अब जाके इसको रियर आपको एक बार दिखा देते हैं, थोड़ा सा कंजेस्टेड होने वाला है बट फिर भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। यहाँ पे हम पीछे आ चुके हैं, स्पेस की कमी के कारण हम आपको ढंग से दिखा नहीं पा रहे, बट फिर भी आपको एक ओवरव्यू ज़रूर मिलाएगा कि इसमें क्या चीज़ें मिल रही हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं टेल लैम्प का जो सेटअप है कम्प्लीटली जो है वो चेंज हो चुका है, यहाँ पे पूरा LED मिल जाता है, नीचे भी है आपके टर्न इंडिकेटर वगैरह मिलते हैं, ये आपके हैलोजन के अंदर मिल रहे हैं। बाकी यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश दी गई है, तो विच लुक्स वेरी ग्रेट। यहाँ पे नीचे स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग मिल रही है, बिकॉज इंजन जो है अब वो आपका स्मार्ट हाइब्रिड वाला हो चुका है। यहाँ मिल जाती है ब्रेजा की बैजिंग, बड़ा बोल्ड बोल्ड टाइप में लिखा हुआ है, एंड स्पेस देखे लिखा है तो ब्रेजा काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ पे मिल जाता है सुजुकी का लोगो। दोस्तों यहाँ पे आपको डिफॉगर मिल जाते हैं, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल रहा है, तो ये रहा कुछ इसका लुक। बात की जाए नीचे की, तो यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4 आपको पार्किंग सेंसर मिल रहे हैं,
साइड में आपको यहाँ पे देख सकते हैं रिफ्लेक्टर्स भी मिल रहे हैं, तो ये ओवरऑल लुक है। नीचे आपको स्केट प्लेट वगैरह जो है सारी की सारी जो है ब्लैक देखने को मिलती है। अब अंदर चल के आपको दिखाते हैं क्या चीज़ हमें देखने को मिल जाती है इसके इंटीरियर के अंदर। इसके अंदर चलते हैं, सबसे पहले इसको करते हैं अनलॉक। एंड अब आपको जो डोर ट्रिम है वो दिखा देते हैं। तो कुछ इस तरीके का जो डोर ट्रिम है वो ऑफर हो रहा है, ब्लैक कलर का जो है डोर ट्रिम ऑफर होता है। यहाँ पे सारा का सारा ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच पैडिंग मिलती है जो आपको LXi के अंदर नहीं मिलती, ये चीज़ अच्छी होने वाली है। बाकी सारे के सारे जो कंट्रोल्स हैं वो मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर आपको जो ORVMs हैं वो सारे के सारे उसके कंट्रोल्स मिलते हैं। ऑटो एडजस्टेबल हैं एंड फोल्डेबल का ऑप्शन मिल रहा है। ये सारा का सारा ब्लैक मिलता है। नीचे आपको मिल रहा है 1 लीटर का वाटर बोतल का ऑप्शन। यहाँ पर मिलती है स्पीकर ग्रिल। तो ये रही कुछ कहानी। बाकी बात की जाए इसकी सीट की, तो यहाँ पे आपको मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट मिल जाती है विच इज़ वेरी गुड। एंड यहाँ पे सारी की सारी जो है फैब्रिक सीट्स ऑफर हो रही है। ब्लैक कलर का जो है डिज़ाइन है, यहाँ पे बीच में टेक्सचर टाइप का डिज़ाइन दिया हुआ है। हेडरेस्ट जो है आपके एडजस्टेबल मिल जाते हैं। यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ करने का स्विच मिल रहा है। ये आपका आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप है। यहाँ पे आपको जो है हेडलाइट का लेवलर मिल रहा है। एंड अब अंदर चल के आपको इसका जो लुक है वो भी चेकआउट कराते हैं। तो गाइज़ अंदर बैठ चुका हूँ एंड सबसे पहले क्या करते हैं, गाड़ी को कर लेते हैं ऑन। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो गाड़ी को कर लिया इस टाइम ऑन एंड एसी को कर देते हैं कम। एंड एक चीज़ ये भी बता देते हैं, एसी को हमने कम किया ही है तो आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक जो है एसी वो देखने को मिलता है। एक मिनट, तो यहाँ पे आपको एसी जो है ऑटोमेटिक देखने को मिल जाता है। ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारा जो सेटअप है देखने को मिलता है। इसी टाइप का जो आपको एसी यूनिट है वो आपका बलिनो के अंदर जो नई आई है उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। एंड यहाँ बात की जाए, ये आपको यहाँ पे टच स्क्रीन देखने को मिल रही है। इस टाइम लो फ्यूल की वार्निंग दिखा रहा है, तो ये छोटा सा जो है आपको टच स्क्रीन ऑफर हो रहा है जिसका टच रिस्पॉन्स सब कुछ बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह सारे फीचर्स जो हैं वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों कहानी आ गई है अब इसके स्टेयरिंग की। तो स्टेयरिंग आपको मिल जाता है एकदम नया वाला सेटअप आपको देखने को मिलता है। फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील मिल रहा है जो कि नया हो चुका है। पहले आपको राउंड मिलता था, अब फ्लैट बॉटम है जो कि आपका एडजस्टमेंट देख लेते हैं। ये आपको मिल जाता है टिल्ट और टेलीस्कोपिक, दोस्तों ये नहीं मिलता आपको। बाकी सारे के सारे स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जा रहे हैं इसके अंदर। यहाँ पे कॉल उठाने का, कट करने का, वॉइस कमांड का जो है फीचर्स यहाँ पे ऑफर हो रहे हैं। यहाँ पे आपको सुजुकी का बैजिंग मिलती है। ओवरऑल जो इसका लुक आ रहा है बहुत ज़्यादा स्टडी, बहुत अच्छा कंफर्टेबल लग रहा है, मुझे फील हो रहा है। बात की जाए इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो आप देख रहे हैं दो तरफ आपको मिल रहा है एनालॉग एंड बीच में आपको MID जो है छोटी सी है वो डिजिटल देखने को मिलती है जो कि प्यारा लगता है पूरा का पूरा। बाकी डैशबोर्ड का लुक आप चेकआउट कर रहे हैं, अंदर जो कंप्लीट लुक है वो चेंज हो चुका है। कहीं ना कहीं जो आपकी ब्रेजा है आपको वो वाला फील कराने वाली है, बिकॉज यहाँ पे जो ये स्टाइल है इन्फोटेनमेंट का ये आपको ब्रेजा के अंदर मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको ब्लैक टाइप का जो टेक्सचर है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको सैटन थोड़ा सा डार्क कलर का जो सिल्वर है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे टेक्सचर टाइप का डिज़ाइन है वो भी आपको ऑफर हो रहा है। यहाँ नीचे देखते हैं, यहाँ पे मिल जाता है आपको ग्लव बॉक्स जो कि आपका नॉर्मल है, अच्छा डिसेंट साइज़ का आपको ग्लव बॉक्स मिल रहा है। एसी की कूलिंग बहुत ही बढ़िया हो रही है, मज़ा आ गया एसी की कूलिंग देख के, बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप जैसे जैसे मॉडल्स में अपग्रेड करते रहेंगे तो ये जो इन्फोटेनमेंट का साइज़ है बढ़ जाएगा। बड़े जो इसका टॉप एंड वेरिएंट है उसमें आपको अच्छा खासा जो फुल साइज़ का जो स्क्रीन है वो देखने को मिलती है, वो भी बहुत बढ़िया है। बाकी हमने आपको यहाँ का लुक दिखा दिया, एसी वेंट्स वगैरह देख सकते हैं। ये भी इसका जो डिज़ाइन है कम्प्लीटली रिफ्रेशिंग हो चुका है एकदम। हाँ, बाकी सनशेड यहाँ पर आ गया, आपका टिकट होल्डर मिल जाता है। बीच में यहाँ पे आपको स्पीकर मिल रहा है वॉइस कमांड के लिए। IRVM आपका मैनुअली एडजस्टेबल है। यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर में भी मिल जाता है। ग्रैब हैंडल एडजस्टेबल है। यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं गियर नॉब मिल रहा है 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ फ़ोन टिका सकते हैं अपना। एंड यहाँ पर आपको 12 volt का सॉकेट और ये USB का सिस्टम मिल रहा है जो कि आपका USB वाला सिस्टम LXi में मिसिंग था। ये सारा का सारे कंट्रोल्स रहे आपके एसी के। एसी की जो डिज़ाइन है बहुत ही प्यारी हो चुकी है। कंफर्ट की बात की जाए तो ज़बरदस्त कंफर्ट मिल रहा है, कुशनिंग बहुत ही अच्छी है। एंड यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट देखो दोस्तों मिसिंग है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। कप होल्डर्स यहाँ पे दो टिका सकते हैं आराम से। तो ये रही कुछ आगे की कहानी। स्मार्ट हाइब्रिड यहाँ पर भी लिखा गया है इसके अंदर। तो आप चल लेते हैं पीछे एंड पीछे का जो कम्फर्ट है वो आपको चेकआउट कराते हैं। दोस्तों अब आ चुके हैं इसके रियर डोर पे। तो सबसे पहले डोर ट्रिम की बात की जाए तो यहाँ पे वही आपको ब्लैक जो टाइप का डिज़ाइन है वो देखने को मिलता है। यहाँ सॉफ्ट टच पैडिंग मिल रही है विच इज़ वेरी गुड। बाकी सारा का सारा जो है ब्लैक फिनिश के अंदर मिलता है। हार्ड टाइप का जो प्लास्टिक है वो मिल रहा है। यहाँ पर आपको विंडोज़ के कंट्रोल मिल रहे हैं। यहाँ पर मिलता है वाटर बोटल का ऑप्शन, स्पीकर ग्रिल। तो ये रहा कुछ इसका लुक। एंड अंदर बैठ के अब जो स्पेस है वो चेकआउट करते हैं। तो दोस्तों स्पेस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा जो स्पेस है वो देखने को मिलता है। मैसिव अमाउंट ऑफ नी रूम मुझे मिलता है स्पेस। कुशनिंग की बात की जाए तो कुशनिंग अंडर थाई जो सपोर्ट है वो भी बहुत एक्सीलेंट है। तो ये रहा कुछ लुक।
अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे जो हेडरेस्ट हैं मिल जाते हैं और वो भी आपको एडजस्टेबल मिल रहे हैं, दोनों साइड के आपको हेडरेस्ट हैं एडजस्टेबल, बीच में आपको कोई भी जो है आर्मरेस्ट नहीं मिलता, बाकी सपोर्ट कुशनिंग और जो रिक्लाइन एंगल है वो भी एकदम सही लग रहा है, बीच में मिल जाती है आपको लाइट, बाकी आराम से यहाँ पे दो एडल्ट्स एंड एक बच्चा वगैरह जो है तीन एडल्ट्स भी बैठ सकते हैं, सीट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा कम्फी होने वाली है। अब जो रियर है इसका बूट वो भी आपको एक बार चेकआउट करा लेते हैं, तो पीछे चलते हैं, पीछे का हालचाल भी जान लेते हैं, स्पेस की थोड़ी कमी है, यहाँ पे एक स्विच दिया गया है, एक बटन है उसको प्रेस करना है एंड उसके बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसका आपको इस तरीके का जो बूट है देखने को मिलता है, पार्शल जो ट्रे है वो आपको यहाँ पे मिसिंग है, वो चीज़ नहीं मिलेगी। स्पेस की बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको अलग से स्पेस मिल जाता है, वहाँ पे स्पेस मिल रहा है, 328 लीटर का जो बूट है वो आपको मिलता है एंड बहुत फ्लैट है, ना ज़्यादा हम्प मिल रहा है आपको। टायर प्रोफाइल देख लेते हैं, टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो वही सेम 215/60R16 वाली जो टायर प्रोफाइल है वो देखने को मिलती है। तो गाइस इंजन बे चेकआउट करा देते हैं, यहाँ से इसको ओपन कर लिया एंड अब जो है आपको इंजन बे दिखा देते हैं, तो ये रहा इसका कुछ इस तरीके से बोनट एंड अब जो है जो इसका बोनट है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो चुका है, इंसुलेशन देख सकते हैं प्रॉपर इंसुलेशन वगैरह आपको मिल जाती है। ये रहा कुछ इस तरीके का इसका इंजन बे, K15C जो है आपका स्मार्ट हाइब्रिड वाला आपको इंजन देखने को मिल जाता है 4 सिलेंडर के साथ, जो कि इसका नया हो चुका है, जिसकी एवरेज वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा जो इम्प्रूव हो चुकी है, तो इंसुलेशन वगैरह देख सकते हैं प्रॉपर की गई है। फिर भी आपको पता है कि जैसे मारुति के इंजन में आपको जो इंसुलेशन है ज़रूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी इन्होंने दी है, बहुत अच्छी चीज़ है, हैवी बहुत है, तो इससे पता चलता है कहीं ना कहीं जो सॉलिड है गाड़ी। अब इसको कर लेते हैं एक बार क्लोज, ये रहा कुछ इस तरीके का इसका हमने जो वॉक अराउंड किया है एंड आई होप कि जो आपको हमारा ये वॉक अराउंड है ये अच्छा लगा होगा VXi का। तो आप बता सकते हैं कि जो VXi वेरिएंट है क्या ये वैल्यू फॉर मनी है या आप LXi पे जाना चाहेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो कर देना इसको लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना चैनल को सब्सक्राइब, मिलेंगे अच्छी अच्छी वीडियो लेके, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।